फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सिविल बेस। आज हम आए हैं साइट विजिट के ऊपर, और साइट विजिट में मैं आपको दिखाता हूँ कि हो क्या रहा है। ये हमारी बम्पटी कंस्ट्रक्ट हुई हुई है एंड इसके ऊपर कैंटिलीवर कंस्ट्रक्ट हुआ हुआ है। और ये देखिए, आप स्लोप देख रहे हैं, इसके अंदर ये पूरा बेंड हो गया है। 9 इंची की वॉल कंस्ट्रक्ट करने के बाद ये यहाँ पर बेंड हो गया है पूरा, इधर से ही लेके यहाँ तक ये क्रैक आ गया है। पूरा स्लैब के अंदर ही क्रैक आ गया है। ये देखिए, ये क्रैक है यहाँ पे स्लैब के अंदर, एंड पूरी की पूरी स्लैब ही झुक गई है। कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है और ये क्यों हुआ है। ये जो भी स्लोप बना है, ये पूरा जो हमारा पैरा बम्पटी के ऊपर हमने स्लैब के ऊपर पैरापेट वॉल कंस्ट्रक्ट करी है, वो क्यों हुई है। एंड गाइस, मैं इसका रीज़न बता देता हूँ आपको, आप भी अपना रीज़न बताइए क्या रीज़न हो सकता है। तो उसका रीज़न यही है कि जो हमारा स्टैंडर्ड कहता है, वो स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो हमारा छज्जा होगा, जैसे हम कैंटिलीवर स्लैब बोलते हैं, वो जो हमारा छज्जा होगा वो 2 फुट से आगे नहीं जाना चाहिए। अगर वो 2 फुट से आगे जाता है तो उसके नीचे या तो हमें चोर बीम देनी पड़ेगी, जिसे हम हिडन बीम बोलते हैं, या हमें लटक बीम देनी पड़ेगी। और लटक बीम अगर हम अपने इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिसे हम स्लैब के अंदर ही जो बीम आती है, टी बीम एल बीम बोलते हैं, वो बीम हमें देनी पड़ेगी। अब इसका साइज़ देखिए, यहाँ से 2 फीट से एक्स्ट्रा है, एंड 2 फीट से एक्स्ट्रा होने के बाद जैसे ही इसके ऊपर लोड पड़ा और ये इसने यहाँ से क्रैक कर दिया, ये यहाँ से पूरा क्रैक हो गया है। ये देखिए, पूरा क्रैक हो गया है। ये देखिए, पूरा यहाँ से क्रैक हो गया है, वॉल के अंदर भी क्रैक्स आ गए हैं, स्लैब भी क्रैक हो गया है। तो इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए अब एक ही पर्पज़ है कि जब ये हम पूरा पैरा ब्रिक वर्क हटा देंगे, उसके लिए मैं एक आपको अलग वीडियो बनाऊंगा कि इसको रिपेयर वर्क, इसका रिपेयर वर्क हम कैसे कर सकते हैं। सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि इसका रीज़न क्या है ये डाउन होने का। ये देखिए, यहाँ से ये पूरा स्लोप बन गया है, डाउन हो गया यहाँ से, और यहाँ से तो पूरा क्रैक हो गया है पूरा।